हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इंडियन फूड एंड फैमिली ब्लॉग्स में आप लोग का स्वागत है, और ये मेरा न्यू चैनल है, सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चटपटा चना बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने चना को बॉयल करके रखे हैं, और उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले मिला लेते हैं। तो मसाले में यहाँ धनिया पाउडर और मिर्चा पाउडर, उसके बाद मैं चाट मसाला रखूंगी, उसके बाद आमचूर पाउडर, काला नमक भी रखेंगे और सफ़ेद नमक रखेंगे, और जलजीरा पाउडर भी इसमें मिलाएंगे। तो सारे मसालों यहाँ पे मैंने रख लिए। अब इसको मैं पानी डाल के मिला लूँगी, और यहाँ पे मैं अदरक का पेस्ट थोड़ी सी मिलाऊंगी, और इसके बाद पानी डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे मैं टमाटर, प्याज और हरा मिर्चा काट के रखे हुए हैं, ये बाद में हम डालेंगे। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में थोड़ी सी तेल डालेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जीरा इसमें डालेंगे, और इसके बाद मसालों को इसमें थोड़ी सी पका लेंगे। अब यहाँ पे मैं चना मिला लेती हूँ इसमें थोड़ी सी, बस इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। यहाँ पे चना बन चुका है, अब मैं इसे थोड़ी सी ठंडा कर लूँगी, और थोड़ी सी ठंडा हो जाए तो मैं इसमें प्याज, टमाटर और हरा मिर्चा मिलाएंगे। तो यहाँ पे ठंडा हो चुका है, अब मैं इसमें ये जो काट के रखे हुए थे प्याज, टमाटर और हरा मिर्चा, इसको मैं मिला दूँगी, और इसमें नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है नींबू, इसलिए मैं नहीं मिला रही हूँ। तो इसे मैं अच्छे से मिला देती हूँ। और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।